बुद्ध और कल्कि अवतारों की कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं बुद्धावतार का वर्णन करूंगा जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोदन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोह की आरहत रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आरहत बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ किया। वे सब के सब कलयुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। वाजसनेय बृहदारण्यक मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाण भूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्यों का भक्षण करेंगे। तदनंतर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे श्री विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतीर्ण हो याज्ञवल्क्य को अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर मलेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लगाएंगे। उसके बाद श्रीहरि कल्कि रूप का परित्याग करके अपने धाम में चले जाएंगे। फिर तो पूर्ववत सत्ययुग का साम्राज्य होगा। साधु श्रेष्ठ सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक लग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनमंत्रों में श्री हरि के अवतार होते हैं। उनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। उन सब की कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्री विष्णु के अंशावतार तथा पूर्णावतार सहित 10 अवतारों के चरित्रों का पाठ अथवा श्रवण करता है, वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हृदय होकर परिवार सहित स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्रीहरि धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण करते हैं। वे ही जगत की सृष्टि आदि के कारण हैं। जगत की सृष्टि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का, जो श्रीहरि की लीला मात्र है, वर्णन करूंगा। सुनो, श्रीहरि ही स्वर्ग के रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हीं के स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि कारण वे ही हैं, वे ही निर्गुण हैं, वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था। उस समय न तो आकाश था, न रात दिन आदि का ही विभाग था। तदनंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे शुद्ध विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महतत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और भूतादि रूप तामस। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन्मात्रा वाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। ये सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई है। 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता, 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन के भी अधिष्ठाता देवता। ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वो नर से उत्पन्न हुआ है। नार जल ही पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। स्वयंभू श्री हरि ने जो वीर्य स्थापित किया था वो जल में सुवर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम द्विलोक हुआ, दूसरे का भूलोक। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं के विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहां काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि की
तत्तद् रूप से सृष्टि की। उन्होंने आदि में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा परजन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुखसेरिक, यजु और सामवेद को प्रकट किया। उनके द्वारा साध्य गणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने भुजा से ऊंचे नीचे या छोटे बड़े भूतों को उत्पन्न किया। सनत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ इन सात ब्रह्मपुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने मन से प्रकट किया। साधु श्रेष्ठ, ये तथा रुद्रगण प्रजावर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। ये ही स्वयंभू, मनु तथा शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई। स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तान पाद नामक दो पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। वो कमनिया कन्या देवहूति कर्दम ऋषि की भार्या हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तान पाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्तर्षियों के आगे स्थिर स्थान ध्रुव पद दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके सुयश का सूचक ये श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्युत है, जिसे आज सप्तर्षि भी आगे करके स्थित है। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्टि से उसकी पत्नी सुच्छाया ने क्रमशः रिपु, रिपुंजय, पुष्य, व्रकल और व्रकतेजा इन पांच निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर्य से बृहति ने चाक्षुष और सर्वतेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने वीरण प्रजापति की कन्या पुष्करणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नंगवला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं, पुरु, पुरु, शतदुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्ट, अतिरात्र, सुदुम्न और अभिमन्यु। अरु के वंश से आग्नेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने एक ही संतान वेन को जन्म दिया। वो प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदनंतर ऋषियों ने संतान के लिए वेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज वेन कुमार राजा पृथु अपने तेजस से सबको दग्ध करते हुए धनुष और कवच धारण किए हुए ही प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति कर्म में निपुण अद्युत कर्मासुत और माघधो ने उनका स्तवन किया। वे प्रजाओं का रंजन करने के कारण राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित्त अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता मुनिवृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्यों आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दूही जाने वाली पृथ्वी ने सबको इच्छा अनुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किए। पृथ्वी के जो दो धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम थे अंतर्धि और पालित। अंतर्धान अंतर्धि के अंश से उनकी शिखंडी नाम वाली पत्नी ने अविर्धान को जन्म दिया। अग्नि कुमारी धिष्णा ने अविर्धान के अंश से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं, प्राचीन बहिर्ष, शुक्र, गय, कृष्ण, वज्र और अजीन। राजा प्राचीन बहिर्षि प्रायः यज्ञ में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वाग्र कुश फैल गए थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन बहिर्षि नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे।
प्राचीन बहिर्षि से उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सब के सब धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। ये देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का ये संहार देख राजा सोम इन प्रजेताओं के पास जाकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। ये वृक्षगण आपको एक मारिशा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। ये कन्या तपस्वनी मुनि कंडू के अंश से प्रलोमचा अप्सरा के गर्भ से स्वेद बिंदु के रूप में प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचिताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर अचर द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को उन्होंने धर्मराज को अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमी को, 2 बहुपुत्र को और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें हुई उस धर्म सर्ग का वर्णन करूंगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वेदेव प्रकट हुए। साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागविधि नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विषय भी मरुत्वती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की वृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नी के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। आपके वैततंडय श्रम शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्षा हुआ। धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, हुतहव्य, वह शिशिर, प्राण और रमण उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र पुरोजव और अनल अग्नि का अविज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ जो सरकंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाख, विशाख और नैगमय नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यति हुए। प्रत्युष से देवलग का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बढ़ई थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया तथा हे साधु श्रेष्ठ, सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभावित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम ये हैं, अजयकपाद, अहिर्बुर्धन्य, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर, बहुरूप, त्रम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, करपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। यो तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनसे ये चराचर जगत व्याप्त है। कश्यप आदि के वंश का वर्णन। हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुए कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूं। साक्षुक मनवंतर में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्त मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शक्र, इंद्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पुषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमी की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार के विद्युत स्वरूप कन्याएं उत्पन्न हुई।
अंगिरा मुनि से उनकी दो पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृष्वाश्व के भी उनकी दो पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनिष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंह का नाम वाली एक कन्या भी हुई जो विप्रचति नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई जो सहिकेय नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र हुए जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला प्रह्लाद, दूसरा अनुहलाद और तीसरे प्रह्लाद हुए जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संलाद था। लाद का पुत्र हर्द हुआ। संलाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और वाशकल थे। प्रह्लाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से ये वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वयंभू की कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या हयशीरा थी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और कालका ये दो वैश्वानर की कन्याएं थी। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, स्नेही, भासी, गृधिका और शुचिग्रवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनिदा के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से 1000 सांप उत्पन्न हुए और कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्रों नाग उत्पन्न हुए। क्रोधावशा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सबके असंख्य पुत्र। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वो इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वो अभिमत वर प्राप्त कर लिया जब वो गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी। उस समय एक दिन के भोजन के बाद बिना पैर धोए ही वो सो गई। तब इंद्र ने ये छिद्र, त्रुटि या दोष ढूंढ कर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुने, ये सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक के राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया, अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों तथा औषधियों के राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर हुए, द्वादश सूर्यों, आदित्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे, वसुओं के राजा पावक और मरुद्रुणों के स्वामी इंद्र हुए, प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए, पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों, पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर, गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए, श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी एरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड, वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष पकड़ी, घोड़ों का स्वामी उच्चैश्रवा हुआ, सुधन्वा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ, दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्यनोमक राजा हुआ। ये प्रतिसर्ग का वर्णन।